अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। इस वीडियो में मेनली हम जिक्र करेंगे जी, ओमान गवर्नमेंट की जानब से एक नया रिलीफ पैकेज दिया गया है और उसमें कुछ लोगों की तो फीस जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म और कुछ के लिए 50% तक कमी होगी। डिटेल में जाने से पहले आपसे शेयर करते हैं, तुर्की और सीरिया में जो जल्जला है रात को, आज 6 फरवरी 2023 और सोमवार का दिन है, रात को वहाँ पर जल्जला आया, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अभी तक जो न्यूज़ आ रही हैं, बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा लोग वफात पा चुके हैं, इन्ना लिल्लाह वइन्ना इलैहि राजिऊन, बहुत सारे लोग लापता हैं और ज़ख्मी लोग जो हैं उनकी भी सेहतयाबी के लिए आपने दुआ करनी है। और दुआ से याद आया कि हमेशा आपने सबके लिए हर वक्त दुआ करनी, ये नहीं कि कोई परेशान है, मुसीबत में है या कहीं पर कोई आफत है तो आपने उनके लिए दुआ करनी, नहीं, हमेशा जो है हर किसी के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हर किसी को खुश रखे, सेहत दे, कामयाब करे और हादसाती मवाद से बचने के लिए आपने हमेशा दुआ करनी है। अल्लाह ताला सबको जो है हादसाती मवाद से बचाए। ओमान की खबर भैया जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, उन्होंने कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल ही फीस जो है स्कूल फीस वो ख़त्म करने का ऐलान किया है। उनमें जो लोग शामिल हैं वो है वो खवातीन, वो ओमानी खवातीन जिन्होंने बाकी दूसरे ममालिक के बाकी ने दूसरे ममालिक के लोगों से शादी की है, उनके जो बच्चे हैं अगर वो ओमान में हैं तो उनके लिए स्कूल फीस ख़त्म होगी। और उसके बाद आ जाते हैं GCC मालिक के जो बच्चे हैं जो ओमान में अगर पढ़ते हैं तो उनके लिए भी माफ़ होगी। और उसके बाद है बॉर्डर एरियाज़ में जो रहने वाले लोग हैं और जिनके पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, बच्चों के पास बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, उनकी भी जो है स्कूल फ़ीस ख़त्म है, एग्जेम्प्टेड होगी। और उसके बाद यमन के लोग जो हैं अगर उनके बच्चे पढ़ते हैं ओमान में गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर तो उनकी फ़ीस ख़त्म होगी। और उसके बाद जो खारजों के लिए एक और रिलीफ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या उससे रेलिवेंट जो अदारे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कनेक्टेड जो हैं, कनेक्टेड मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर हैं, वो लोग जो गैर मुल्की हैं लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ काम करते हैं, उनकी बच्चों की फ़ीस भी 50% तक कम होगी। और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में जो रिलीफ है ये है गवर्नमेंट इदारों की जो फीसें हैं वो कम होंगी 50% तक, और गवर्नमेंट इदारों में पढ़ने वालों के लिए ज़ीरो होंगी। और उसके बाद है स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स के लिए अगर किसी ने कोई नया स्कूल बनाना है, लाइसेंस रीन्यूअल है, तो उनके लिए भी 50% तक कमी का ऐलान किया गया है। पहले फ़ीस होती थी 300, अब वो 150 होगी लाइसेंस रीन्यूअल की। उसके बाद नया लाइसेंस लेने के लिए जो है 1500 थी पहले फ़ीस, अब जो है वो 750 कर दी गई। तो इस्टेब्लिश करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, लाइसेंस के लिए जो है फीसें वो भी 50% तक कम करने का ऐलान किया गया। तो आखिरी बात जो पहले मेरे जहन में आई नहीं लेकिन मैं हमेशा आखिरी बात पहले बता देता हूँ कि कोई खातर खा यानी जो खारजी हैं उनको इससे फ़ायदा नहीं होगा। या तो होना कि हमारे प्राइवेट स्कूलों में भी कुछ ऐसा हो या फिर गवर्नमेंट के स्कूलों में हमें जो है वो वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर और ये वो नसाब वगैरह आ जाता है, तो वो सीन है। बाकी बड़ों के लिए तो इशू नहीं है, डिग्रीज़ के लिए जो छोटे बच्चे हैं उनका सीन है, वो गवर्नमेंट स्कूलों में लैंग्वेज बैरियर और नसाब का इशू है, वरना हम भी वहीं पर पढ़ा सकते हैं या फिर हमारे बच्चों और भी आंधी हो तो फिर बहरहाल सीन क्या है कि जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूलों में भी अगर कुछ रिलीफ मिले ना तो फिर मज़ा है, ताकि हर बंदा जो है उसको फ़ायदा हो। तो 3-4 दफ़ा तो के बाद मेरे ख्याल से वीडियो ख़त्म कर देनी चाहिए। अपना ख्याल रखिए, तो हमें याद रखिए, तो मैनू पसीने आ रहे ने पायन, ऑफिस में सर्दी लग रही थी, बाहर आए तो बाहर तो पायन गर्मी गर्मी, और बताया जा रहा है कि यह वीक में गर्मी और बढ़ेगी। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।